जिस व्यक्ति के मन में यह भावना दृढ़ता पूर्वक समाई हुई है कि परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है और हजार आँखों से उसके हर विचार और कार्य को देख रहा है, तो उसकी यह हिम्मत नहीं हो सकती कि कोई पाप गुप्त या प्रकट रूप से करे। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। पुस्तक का नाम ईश्वर का विराट रूप। गायत्री मंत्र में प्रयुक्त ओम भूर्भुवः स्वः ईश्वर के विराट स्वरूप की झांकी कराता है। भू भुवः स्वः ये तीन लोक हैं। इनमें ओम ब्रह्म व्याप्त है। जो उस ब्रह्म को जानता है वास्तव में वही ज्ञानी है। प्रत्येक जड़ चेतन पदार्थ में, प्रत्येक परमाणु में, सर्वत्र ओम ब्रह्म को व्याप्त देखना, प्रत्येक वस्तु में विश्वव्यापी परमात्मा का दर्शन करना एक ऐसी आत्मिक विचार पद्धति है जिसके द्वारा विश्व सेवा की भावना पैदा होती है। इस भावना से युक्त व्यक्ति प्रभु की इस सुरमय वाटिका के किसी भी कण के साथ अनुचित अथवा अन्याय मूलक व्यवहार नहीं कर सकता। धर्म और ईश्वर स्वरूप से जुड़े प्रश्न निरंतर पूछे जाते हैं, जैसे कि ईश्वर कौन है, उसका स्वरूप क्या है, हम ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कैसे कर सकते हैं, क्या ईश्वर निष्पक्ष न्यायाधीश है या उसे लौकिक प्रलोभनों से लुभाया जा सकता है, हमारे धर्म की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, विराट के चार स्वरूप कौन से हैं, मनोबल क्या है, विश्वास में कितना सामर्थ्य है, वैदिक ईश्वरवाद में किन तत्वों का समावेश किया गया है, क्या धर्म की रक्षा अनिवार्य है, सृष्टि के निर्माण में ईश्वर का क्या उद्देश्य है। ऐसे ही बहुत से प्रश्नों का उत्तर लेकर प्रस्तुत है 24 पृष्ठों की एक लघु पुस्तक, जो हमें यह बताती है कि हमें किन कर्तव्यों का पालन करके ईश्वर की कृपा मिल सकती है तथा इस सृष्टि पर ईश्वर को बार बार अवतार क्यों लेना पड़ता है। पुस्तक के सद्वाक्य, श्रद्धा और विश्वास ना हो तो सारे अनुष्ठान निष्फल हैं। शुभ अशुभ कर्म करना तो हमारे हाथ में है, पर उनसे जिन भले बुरे परिणामों की उत्पत्ति होगी वह ईश्वरीय नियामक शक्ति के हाथ में है। ईश्वर पूर्णतया निष्पक्ष न्यायकारी नियम रूप है। वह किसी के साथ रत्ती भर भी रियायत नहीं करता। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता है। स्वास्थ्य के नियमों पर चलने वाले सदाचारी संयमी मिताहारी लोग स्वस्थ रहते हैं और चटोरे दुराचारी स्वेच्छाचारी लोग बीमारी कमजोरी एवं अकाल मृत्यु के शिकार होते हैं। ईश्वर सर्वव्यापक होने से हमारे सब कामों को देखता है। यह शासन की अत्यंत व्यापकता के लिए है। बुराई के मार्ग पर पतन की ओर मन तेजी से गिरता है, पर अच्छाई की ओर कठिनाई से चलता है। ईश्वर की शक्ति से ही सब काम होते हैं, परंतु सत्य और धर्म के कामों में ईश्वरत्व की अधिकता है। पुस्तक के कुछ मुख्य बिंदु हैं: ईश्वर का विराट रूप, आध्यात्मिकता का मूल आधार, विराट के चार स्वरूप, ईश्वरवाद की व्याख्या और वास्तविकता, ईश्वर की अनुभूति कैसे हो।